संस्कार थाने जबलपुर कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजाटी रविवार को मेडिकल रोड स्थित वृद्धाश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने आश्रम की व्यवस्थाओं की जानकारी लेकर बुजुर्गों से मुलाकात की। इस दौरान एक बुजुर्ग महिला कलेक्टर को देखकर भावुक हो गई और दोनों हाथों को चूमकर कहा, फीड द हेड एंड देन इट गो टू कान्हा फॉर वॉक, यू कम टू विजिट कान्हा। बुजुर्ग के मुंह से फर्राटेदार अंग्रेजी सुन मौके पर मौजूद अधिकारी भी हैरान हो गए। फीड द हेड एंड देन इट गो टू कान्हा फॉर वॉक, यू कम टू विजिट कान्हा। यस डेफिनेटली, मैं ज़रूर आऊँगा। ऐसी बातें मेडिकल रोड स्थित वृद्धाश्रम में उस वक्त हुई जब कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी विश्व रेडक्रॉस दिवस के मौके पर पहुंचे। क्राइस्ट चर्च स्कूल में पढ़ी 72 साल की वृद्धा प्रलोचन कौर के पास जब कलेक्टर हालचाल जानने पहुंचे तो दोनों के बीच इंग्लिश में लंबी बातचीत हुई। वृद्धा ने इंग्लिश में बात करते हुए कलेक्टर का हाथ चूमा और आश्रम के पदाधिकारियों से कलेक्टर को चाय नाश्ता कराने को कहा। कलेक्टर के आश्रम विजिट से बुजुर्गों में एक अलग उत्साह नजर आया, सभी की आँखें भर आई। बुजुर्गों ने कलेक्टर को आशीर्वाद देते हुए लंबी आयु की कामना की। वो बेहतर करेगा, इसी होगा मोमेंट के लिए। अभी आपका व्हीलचेयर कौन सी है? वैसे तो व्हीलचेयर वो है, बाहर का नहीं है, चेयर से ही चलता है। कभी कैसे होगी? हां समझाओ। ठीक है, आई लाइक इफ यू गो चेक इट। ठीक है, आई विल सेंड द राइट दो साल। नो, नेक्स्ट टाइम यू कम आई विल चेयर। ठीक है, ठीक है। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि बुजुर्गों की छाया ही परिवार को घर बनाती है। घर के बुजुर्ग न केवल प्रेरणा का स्रोत होते हैं बल्कि उनका अनुभव ही परिवार के लिए सफलता की सीढ़ी का काम करता है। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों का सम्मान करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। तारतम में आज ना रेड क्रॉस बिल्डिंग में आज ना ब्लड डोनेशन की कैंप भी हुआ है, काफ़ी लोगों ने ब्लड डोनेट भी किया है। उसके साथ साथ है ना वृद्धाश्रम में हेल्थ ना शिविर भी है ना लगाया गया है। अभी हम लोगों ने एक बार इंस्पेक्शन भी किए हैं, सभी है ना सीनियर सिटीजन से इंट्रैक्शन भी किए हैं और इस वृद्धाश्रम को कैसे बेहतर कराया जा सकता है उस कदम हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग आपके माध्यम से भी अपील करते हैं कि सभी लोग आके इसमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। एक दिन का है ना खाने के लिए 5,000 के आसपास हैं, सो दैट आप कंट्रीब्यूट करेंगे तो रिमेनिंग कितने भी गवर्नमेंट से हमको मिल रही है उससे और बेहतर है ना व्यवस्था बनाने में हम लोग कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ है ना पूरे बिल्डिंग का है ना रिनोवेशन और कुछ लोगों का पैरालिसिस है उनकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और कितने भी वरिष्ठ जन हैं उनके लिए इंडिविजुअल फैसिलिटीज़ का ज़रूरत पड़ रही है, उसको ना आकलन करके पूरा है ना करना और बाहर मैदान का समतलीकरण करना और थोड़ा सा खाने में और ना इम्प्रूवमेंट करना, इस प्रकार का काफ़ी सारा सुझाव भी मिले हैं। इस सुझाव को भी हम लोग अमल करेंगे। थैंक यू। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।